डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका लिखा हुआ कलाम जो कि आपने कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस हवाले से तहरीर फरमाया है। और इकबाल रोज रोज नहीं होते, बहुत बड़ी हस्ती का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। गिरामी कदर शायर मशरक का आपको खिताब दिया गया है। और हजरत मियां शेर मोहम्मद आपका असूल हुआ करता था कि आपकी पहली सफ में सुन्नत जिनकी पूरी होती थी वो खड़े हुआ करते थे, मगर इकबाल को पता था आप सबसे पीछे हटे। जब पता चला इकबाल आया, मियां साहब पहुंचे और बाजू पकड़ के पहली साफ में खड़ा किया। बहुत बड़ी शख्सियत। और गिरामी कदर आपका एक मुलाजम है, घर में रहता है, उसने इकबाल की एक ऐसी बात देखी, उसके बाद फिर इकबाल के कदमों में गिरा और फिर कहा जो बात है इसकी हकीकत क्या है। डॉक्टर इकबाल ने बताया कि मैं तुम्हें एक शर्त पे बताऊंगा कि ये वाकया किसी को बताना नहीं, जितनी देर तक मैं दुनिया में हूं किसी को नहीं बताना। हाँ, मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो फिर बता दे। कहते हैं कि रात का वक्त था और सुबह कबल फजर के मेरे दरवाजे की दस्तक हुई। मैं उठा और इकबाल ने अपने हाथों से एक बर्तन साफ किया और मुझे दिया कि जाओ बड़ा खास मेहमान आया है उसके लिए लस्सी लेके आओ। तवज्जो है, उसके लिए लस्सी लेके आओ। मैंने सोचा रात के इस पहर कौन सा खास मेहमान होगा, तो इस वक्त दुकानें भी बंद होंगी और कहां से लेके आऊं। कहा चलो, मैंने बर्तन हाथ में लिया और चल पड़ा। जैसे मैंने कदम बाहर रखा तो हमारे घर के कुछ फासले पर एक नुक्कर थी, वहां एक खोखा बना हुआ था। मैंने कहा पहले तो कभी ये खोखा नहीं देखा और क्या अजीब कि वहां एक बाबा बैठा है और वो लस्सी बना रहा था। इकबाल कहते मैंने इकबाल के मुलाजिम कहते मैंने उस बाबे से कहा बाबा मुझे लस्सी आप दे सकते, जग दिया उसने जग भर दिया। और मैंने कहा कितने पैसे, कहा आप लस्सी ले जाओ। इकबाल से मेरी बातचीत होती रहती है, मैं खुद ही कर लू। कहते मैं हैरान था कि ये हो क्या रहा है, ना पहले इधर कोई दुकान थी और रात का इस ये पहर, मैं बड़ा परेशान सर आ गया। कहा मैं चोरी चोरी देखता रहा कि ये मेहमान कौन है। इकबाल ने दो गिलास लस्सी के उसे डाल के दिए, फिर एक गिलास लस्सी का मेहमान ने इकबाल को दिया, कहा ये अब आप पी लो। कहा उसके बाद आप रवाना करने के लिए दरवाजे तक पहुंचे और जैसे ही आपने कदम बाहर रखा, कहा मुझे कदम बाहर जाता हुआ नजर आया, मगर दूसरा कदम कहां था वो मुझे नजर नहीं आया। मैं बाजार में दौड़ के उसी नुक्कर पे पहुंचा तो वहां ना कोई खोखा था और ना ही दुकान थी। मैं वापस आया, इकबाल के कदमों में गिरा, मुझे बताइए ये बाबा कौन था और वो दुकान किसकी थी। आपने कहा मुझसे वादा करो किसी को नहीं बताओगे, तो मैं नहीं बताऊंगा। कहा सुनो, वो जो घर आया था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी था और जो बाहर लस्सी बेच रहा था वो दाता अली हजवेरी। इकबाल ऐसे नहीं बने, इकबाल ऐसे नहीं बने।